वेलकम बैक टू वर्ल्ड इन 3 मिनट्स। हमारी आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन यानी कि भूटान। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर भूटान को अपनी बकेट लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू विजिट में जरूर शामिल करना चाहेंगे। इंडिया से भूटान का फ्लाइंग टाइम 2 से 3 घंटे का है। भूटान का समय इंडिया से 30 मिनट आगे है। इंडियन टूरिस्ट को भूटान के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि वे अपना पासपोर्ट या वोटर आईडी कैरी करें। टूरिस्ट को सजेस्ट किया जाता है कि वे भूटान घूमने के लिए एक टूरिस्ट एजेंसी की हेल्प लें। भूटान विजिट करने का कोई बैड टाइम नहीं है, लेकिन अलग अलग समय की अपनी विशेषता है। मार्च से मई का प्री मानसून सीजन ट्रैकिंग के कारण टूरिस्ट के बीच पॉपुलर है। अक्टूबर से दिसंबर के समय भी जाना हम आपको सजेस्ट करते हैं। चलिए आपको बताते हैं भूटान में काम आने वाली कुछ इम्पोर्टेंट ट्रैवलिंग टिप्स। भूटान ट्रिप पर आपको काफी डिफिकल्ट ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है, तो आप कंफर्टेबल शूज और वाटर बॉटल कैरी करें। भूटान के लोग एयर कंडीशनर्स पर निर्भर नहीं करते, तो आप ऐसा वेदर चूज करें जो आपके लिए कम्फर्टेबल हो। टोबैको प्रोडक्ट्स का सेवन भूटान की कई जगहों पर बैन है और इन पर काफी भारी टैक्स भरना पड़ सकता है। इंडियन रुपीस भूटान में चलाए जा सकते हैं, लेकिन 2000 रुपी के नोट की जगह 100 रुपीस के नोट ले जाना एक बेहतर आइडिया होगा। ऐसी ही काफी सारी हेल्पफुल टिप्स आप पा सकते हैं अंत की फैक्टशीट में। चलिए देखते हैं भूटान में कौन सी सिटीज आपको जाना चाहिए। भूटान में एयरप्लेन लैंड करने के लिए सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है, जो पारो शहर में है। पारो से टूरिस्ट ड्राइव करके पास के शहर थिम्फू और पुनाखा जाना पसंद करते हैं। चलिए आपको बताते हैं इस रूट पर कौन कौन सी जगहें आपको विजिट करनी चाहिए। टैग सैंग मोनेस्ट्री यानी कि टाइगर्स नेस्ट, बुद्धा डोडेनमा स्टैचू, रिंगपुंग जोंग नेशनल म्यूजियम, थिम्फू शहर में नॉर्जिम लैम स्ट्रीट और क्लॉक टावर स्क्वायर, दोचुला पास, चिमी लाखांग, टेंपल ऑफ फर्टिलिटी, पुनाखा जोंग और खामसैम युली नामग्यांग टेंपल। भूटान में यह डिशेस आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। इमादाशी चीज एंड चिलीज, केवादाशी चीज एंड पोटेटोज, शामुदाशी चीज एंड मशरूम्स, जाओ नाम के पफ्ड राइस, चाशा मारू सूजा यानी यहाँ की फेमस बटर टी, आरा भूटान की ट्रेडिशनल अल्कोहल, मोमोज और होन्टे। भूटान से आप यह सारी चीजें सोवेनियर के तौर पर ला सकते हैं। डापा नाम के हैंडमेड वुडन बोल्स, कार्व्ड वुडन मास्क, प्रेयर फ्लैग्स, थांका नाम के भूटनीज पेंटिंग्स, सिंगिंग बोल्स, हिमालयन बीड्स, भूटनीज हैंडमेड पेपर, सिल्वर ज्वेलरी और भूटनीज रेड राइस। चलिए आपको बताते हैं भूटान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नेशनल डेवलपमेंट के लिए भूटान एक अनोखा सिस्टम फॉलो करता है, जिसे क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कहा जाता है, जो मनी से ज्यादा लोगों की हैप्पीनेस को तवज्जो देता है। भूटान के कैपिटल थिम्फू शहर में कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। इसके बदले वहां वाइट ग्लव्स में तैनात ट्रैफिक ऑफिसर होते हैं। भूटान दुनिया के पहले देशों में से था जिन्होंने प्लास्टिक बैग्स बैन किए थे। दरअसल भूटान के सभी नागरिकों पर भूटान के नेचुरल एनवायरनमेंट को सहज कर रखने की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। भूटान दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जो कार्बन नेगेटिव है। इसका यह मतलब है कि भूटान प्रोड्यूस करने से ज्यादा कार्बन अब्सॉर्ब कर लेता है। इस फैक्टशीट का स्क्रीनशॉट लेना न भूलें। अगर इस वीडियो ने आपको भूटान जाने के लिए इंस्पायर किया है, तो बुकिंग्स की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर एक मैसेज ड्रॉप करें, जिसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। नेटसर की मोस्ट पॉपुलर वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं।
आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेत्सार की ओर से थैंक यू।